भारत माता की, भारत माता की आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि इधर एक लाइव का पूरा फंक्शन हो रहा है। भारत माता की। ओके, आई वुड टू स्टार्ट विद, आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज स्टैंड अप ऑन योर प्लेसेस, प्लीज राइज फ्रॉम योर प्लेसेस। Join your hands, close your eyes. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Sarva Prabha Nirvignam Guru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Thank you. You can all have your seats. So one tree can start a forest. One smile can start a friendship. One touch can show you care, but one leo or lion can make the whole world worth living. Presiding officer, dignitaries on the dais and off the dais, it gives me immense pleasure. The last time I was standing here, it was back in 2014 when I was getting installed as a president. This is another एक शेर वाली फीलिंग आती है, वो कहते हैं ना अपने गली में कुत्ता भी शेर, तो आज वो शेर वाली फीलिंग आ रही है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं जो बोलना है वो बोलना चाहता हूँ। जिंदगी में चीज़ों दो ही चीज़ें, जिंदगी में दोस्तों दो ही चीज़ें होती है, एक तो जीतना और एक हारना। जब हम जीतते हैं तब हम हारने की कोशिश, हारने से बचने की कोशिश करते हैं, और जब हम हारते हैं तब हम जीतने की कोशिश करते हैं। यही प्रकृति का नियम है, पर तकलीफ तब होती है ना दोस्तों जब प्रकृति हमें, प्रकृति के अगेंस्ट हम जाते हैं, हम हार के बैठ जाते हैं, हार के एक जगह पे बैठ जाते हैं। इसी बात पे ना बचपन में पढ़ी हुई एक कविता मुझे याद आती है, उसमें हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि जिंदगी में जितनी बार तुम हारोगे तुम्हें फिर से नवनिर्माण होगा, तुम्हारे सृष्टि का फिर से नवनिर्माण होगा। तो उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं। वह उठी आंधी सी नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धुली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अपना होगा इस दिशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन, किंतु प्राची से आई उषा की मोहिनी मुस्कान, फिर नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर कृप्त नभ के वज्रदंतों से उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ से थगपंती गाती। एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जा रही है, वो सहज में ही पवन उचास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर नेह का आह्वान, फिर इन शॉर्ट इट मींस प्रकृति तुम्हें हजारों मौके देगी सुधारने के, पर एक वो मौका आता है जब हम हार के बैठ जाते हैं, तो यू शुड नॉट डू दैट। इन शॉर्ट वो मीनिंग ही, मतलब उसी का मीनिंग वो है एज पर राधिका ने बताया। नेक्स्ट, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, मेरा क्लब, ये स्टेज, तो दो लोगों को मैं थैंक करना चाहूंगा। तो अगर वो मैं जैसे नाम लूंगा, अगर वो अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। फर्स्ट इज लायन बी डी गेरोला, माय स्पॉन्सर। आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट डे 2011 में जब मैं यहाँ खड़ा था तब आप मेरे पीछे खड़े थे एज अ स्पॉन्सर। आज भी आप, अगर मेरे को लियोइज्म में कुछ प्रॉब्लम आता है ना अंकल, तो मैं पीछे देखता हूँ और हमेशा आपको खड़ा हो पाता। नेक्स्ट द सेकेंड वन, जिनका नाम मैं लेना ही पड़ेगा मेरे को, माई मेंटर लायन सरिता सादरानी। सो
If I'm wrong, I'm sorry, but it is Sarita Sadrani. And इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब ए बी सी डी ऑफ लियोइज्म मेरे को कोई सिखाने वाला है तो वो सरिता सदरानी जी है। और जिस टाइम 2 साल पहले एक टाइम आया था जब ये क्लब बराबर नहीं चल रहा था, लियो क्लब हमारा बराबर नहीं चल रहा था, तब मैं एकदम हार चुका था। तब एक आदमी था जिसको भरोसा था मुझ पर, वो थी सरिता दीदी। और वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि नहीं हम कर लेंगे। आज जब मैं ये सब देखता हूँ ना दीदी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कर लिया दीदी, हमने कर लिया। एंड एट लास्ट हर चांद हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, हर बाग को फूलों का बहार नहीं मिलता। वैसे तो बहुत सारे क्लब होते हैं इस दुनिया में, पर हर क्लब को एनपीएसटी जैसा प्यार नहीं मिलता। With this, I end my address. Thank you.